बारह बजे आज पीर के दिन सदर मोहतरम जनाब नसीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब के हिदायत पर जो आज दिन में दो बजे तूफानी बारिश की वजह से कई जगह के मेन रोड और कई जगह पर पानी दाखिल होने की शिकायतों पर सदर मोहतरम ने बताया कि हल्के में जाकर दौरा करने के लिए और मैं गोलकुंडा नया किला रेती गली जमाली दरादा कटोरा हाउस इन इलाके जाकर दौरा करा और जहाँ जहाँ पर भी बॉक्सजन का काम कराए उन हलकों के अंदर कहीं पर भी घरों में दाखिल या रोड के ऊपर जाने का कहीं शिकायत नहीं मिली और जहाँ पर भी रोड डैमेज है वो सीवरेज लाइन डालने की वजह से डैमेज है। इंशाल्लाह उन तमाम जगह पर जहाँ पर भी सीवर लाइन डाली गई उन जगह पर इंशाल्लाह अनकरीब में रोड्स का काम स्टार्ट होगा। बीच में हालिया में रिवैलिडेशन की वजह से उन कामों को रोक दिया गया था, इंशाल्लाह जल्द से जल्द कामों को चालू किया जाएगा। और उसी तरीके से अहमद कॉलोनी मस्जिद तला अफसर खान कॉलोनी और अहमद कॉलोनी डी ब्लॉक बहदाद कॉलोनी कंपनी बाग इन इलाके जात के अंदर भी चाहे वो सीवरेज लाइन हो या NP3 पाइपलाइन NP2 पाइपलाइन का काम हुआ उन अलखेजात के अंदर भी कहीं पर भी पानी रोडों पे या घरों में दाखिल होने की कहीं पर भी शिकायत नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से जा रहा है। उसके बाद नदीम कॉलोनी के अंदर जहां पर नदीम कॉलोनी शातम तालाब से लेकर सात गुमस आदित्य कॉलोनी की मेन रोड तक बॉक्सजन का काम कराए थे करोड़ों की लागत से। हालिया के अंदर छोटी बारिश हुई तो घरों के अंदर पानी घुस जाता था, रोडों के ऊपर पानी ठहर जाता था। बॉक्सजन डालने के बाद कहीं पर भी रोड के ऊपर जाने का गुंजाइश ही नहीं है। वो तमाम के तमाम बॉक्सजन के ज़रिए शातम तालाब के अंदर पानी दाखिल हो जा रहा है और ये जो बॉक्सजन्स है तूफ़ानी बारिश जो आज बारिश हुई ख़ास तौर से इन टोली चौकी शेखपेट गोलकुंडा इन अलखेजात के अंदर काफ़ी बड़ी बारिश की वजह से कहीं पर भी कहीं शिकायत मिली नहीं और कहीं भी अगर शिकायत मिली तो रोडों के ऊपर पानी एक आधे घंटे के लिए रुका था, वो पानी भी बिल्कुल क्लियर हो चुका और टोली चौकी के पास भी एक आधे घंटे के लिए पानी रुका था, वहाँ पर भी दौरा किया। निज़ाम कॉलोनी के अंदर जो निज़ाम कॉलोनी टोली चौकी का इलाका था काबा हॉस्पिटल का, हालिया में लास्ट ईयर ये बॉक्सजन का पाइप या NP3 पाइपलाइन या 7 फीट के पाइप के ड्राइव डालने से पहले अल्लाहनाथ कॉलोनी हो या निज़ाम कॉलोनी की मस्जिद का इलाका हो या काबा हॉस्पिटल का हो पानी पड़ने के बाद 2-2 घंटे या तूफ़ानी बारिश के दरमियान में कहीं वक्त असर की नमाज या मगरिब की नमाज ईशा की नमाज को मस्जिद को बंद करना पड़ता था। अभी इतनी तूफ़ानी बारिश के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नदीम कॉलोनी निज़ाम कॉलोनी टोली चौकी नलखेजात का तफसीली दौरा किया और इस दौरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती के अवाम सदर मोहतरम जनाब नसीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करें, इजहार शुक्र अदा कर रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े बॉक्सजन बड़े बड़े पाइपलाइन के ज़रिए तालाब के अंदर डाल लिया गया। अभी जो आदित्य नगर शेखपेट गिलाक्सी टाकिस के पास जो पानी आ रहा है कोहिसार कॉलोनी से, मैं इंशाल्लाह हालिया में 2 दिन पहले हमारे SNDP के सी साहब कोटेश्वर राव साहब को जोनल कमिश्नर साहब से भी बात किया था और कमिश्नर मैडम से भी बात किया था। जो आर्मी के अंदर बड़ा काम किया गया वहाँ पर एक जगह चक डैम्स की वजह से ये पानी को अभी रुका गया, वो काम कम्प्लीट नहीं हुआ। इंशाल्लाह वो बॉक्सजन जो बॉक्सजन बुलकापुर नाला है वो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह करीब के अंदर 15 दिन 1 महीने के अंदर रेती बोली के ऊपर लाकर जंक्शन करेंगे। जो गैलेक्सी टाकिस हो या हकीमपेट का इलाका हो जहाँ पर भी पानी बैग मार रहा है बुलकापुर नाला भरने की वजह से इंशाल्लाह रेती बोली के पास मिलाने के बाद इंशाल्लाह वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बुलकापुर नाला शेखपेट के आसपास के इलाके जात के अंदर नाले के अंदर भी बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाए गए, उसके भी फोटोज़ कमीशन को भेज चुका, इंशाल्लाह करीब के अंदर वहाँ पर भी जो भी इकदाम लेना है लेंगे। मैं जो बॉक्सजन का काम था आर्मी के अंदर बोलकापुर नाले के अंदर जो बहुत बड़ा काम था वो कई सालों से पेंडिंग था, सदर मोहतरम कई मरतबा डिफेंस स्टेट ऑफिसरों को आर्मी के अहदेदारों को दिल्ली में भी नुमाइंदगी कर वहाँ से परमिशन लिए और 75 लाख रुपीज़ GHMC बल्दिया की आर्मी के पास डिपॉजिट कराने के बाद परमिशन दिया, काम भी मुकम्मल हो चुका। अभी 10% काम बाकी है रेती बोली के पास, इंशाल्लाह वो काम भी इंशाल्लाह करीब में होगा। मगर आज के दौरे के अंदर जहां पर भी दौरा करें उस इलाके जात के चाहे गोलकुंडा हल्के के अंदर वहां के नुमाइंदा कॉरपोरेटर भी साथ में थे अमीर साहब, टोली चौकी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब हारून फरहान साहब थे, नानानगर कॉरपोरेटर जनाब नसीर साहब,
मजलिस के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर्स आज तफसीली दौरे के अंदर शामिल थे और GHMC के अहदेदार भी शामिल थे। मैं इंशाल्लाह खरीब के अंदर कमिश्नर साहिबा जोनल कमिश्नर साहब से मुलाकात कर जहाँ पर भी थोड़ा प्रॉब्लम है डिसेल्टिंग का मामला हो या नालों का मामला इंशाल्लाह उनको दौरा कराकर बताकर इंशाल्लाह उन कामों की भी मंजूरी ली जाएगी। मरमई इस मीडिया के जरिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके अखजात के अंदर जो भी मसाइल है कुछ भी रहे हमको या मुझको बताइए या मेरे सदर मोतमदीन या कारपोरेटर्स को बताइए, इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आलिया के अंदर करोड़ों रुपये की लागत से CC रोड हल्के कारवान के अंदर चाहे वो सब्जी मंडी का इलाका हो या मोगल नगर हो या आशम नगर हो या पेंशनपुरा या बगदाद कॉलोनी या गोलकुंडे की हर गली या टोली चुकी मोहम्मदी लेन या हकीम पेट के हल्के जात के अंदर करोड़ों रुपये की लागत से मंजूर हो चुके हैं। इंशाल्लाह काम चालू होने वाले इंशाल्लाह खरीब में चालू होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।